एवरीवन, वेलकम यू टू माय चैनल। मैं हूँ अंजुम मलिक। तो आज मैं ये वीडियो, एक मिनी पर्पल हॉल है, मतलब छोटा सा हॉल है, छोटा सा थोड़ा सा सामान मंगाया है मैंने, तो वो मैं बताऊंगी। इसके सारे प्रोडक्ट हैं, तो ये इस तरीके से देखो, एक डब्बे में पैक हो गया है सारा। इस तरीके से की मैंने जो प्लास्टिक की ना पॉलीथिन आती है वो सारी निकाल के मैंने हटा दी है। तो देखो, सबसे पहले एक ये मेकअप फिक्सर है, इसकी पैकिंग इस तरीके से, तो देखो इस तरीके से पैक होकर आया है। ऊपर से भी इसमें मतलब पैकिंग इसकी इतनी अच्छी दी है, ऊपर से भी थैली लगी हुई है इसमें। तो ये मेकअप फिक्सर है, मेकअप फिक्सर नेचुरल एलोवेरा विद विटामिन ई स्वीस ब्यूटी का ही है। तो देखो इस तरीके से इसकी पैकेजिंग आई, इसकी पैकेजिंग है ना बहुत ही मस्त है, एकदम अच्छी है, मतलब देखने में ही बहुत अच्छी लग रही है। तो इस तरीके से देखो, तो इस तरीके से देखो, ये देखो ऊपर ये कैप लगाया है, और इस तरीके से एक स्प्रे तरीके से, जो स्प्रे होती है ना उस तरीके से ये मेकअप फिक्सर है, नेचुरल एलोवेरा विद विटामिन ई, इसमें विटामिन ई है, एलोवेरा है। तो इस तरीके से, और ये मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखने में हेल्प करती है, जो हमारा मेकअप है ना 8 से 10 घंटे तक हमारे फेस पर लगा रहे हैं। अब देखो दूसरी चीज आती है हमारी, ये कॉम्पैक्ट पाउडर, पर्पल कॉम्पैक्ट पाउडर वी योर ओवन वी डबल एफ कॉम्पैक्ट विथ SPF। तो देखो इस तरीके से इसकी पैकिंग, मतलब देखने में कितना सुंदर लग रहा है ये। देखो इस तरीके से ये आया है इसका, और इसमें एक ऊपर से कवर भी है इस तरीके से, और इसमें एक छोटा सा मिरर मिलता है, जैसे कि हम कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएं तो हम इसमें देखकर लगा सकते हैं इस तरीके से ये। तो देखो इसकी पैकिंग कितनी सुंदर है। तो ये हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर हो गया, और ये गुड वैक्स का ये फेस वॉश है, ग्रीन टी का फेस वॉश। तो इसमें नो पैराबिन, नो मिनरल ऑयल है। तो जो इसकी है ना, इसमें MRP 195 लिखी है, लेकिन ये मुझे 150 का मिला है। ये ऑफर चल रहे हैं, क्योंकि पर्पल पे तो है ना ऑफर चलते रहते हैं। तो इस तरीके से देखो इसकी पैकिंग कितनी अच्छी आई है, मतलब ऊपर से अच्छी तरीके से पैक किया है। अगर ये आए भी ना तो टूटने का कोई डर नहीं है, कितना भी वजन रख दो इस पर, इस तरीके से ये है। इसके बाद आता है ये छोटू सा, एकदम छोटू मोटू सा ये SQ का ये कंसीलर है। तो क्योंकि मुझे ना छोटा कंसीलर चाहिए था, आपकी जो भी चीज मैंने सारी मंगाई है ना, परचेज की है, वो सारी छोटी छोटी की है। तो इस तरीके से देखो इतना छोटा सा है ये, इस तरीके से ये खुलता है। तो ये मेरा कंसीलर, इस तरीके से ये कंसीलर है, और ये SQ का है। इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है, और ये छोटा सा है, जैसे कि हमें पहली बार लेना है, और हमें ना थोड़ा सा लग रहा हो कि भाई हम ज्यादा पैसे वेस्ट नहीं करना है, या ज्यादा पैसे डालने नहीं किसी भी मेकअप में, तो हम पहले छोटा लेकर देखते हैं, अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम आगे बड़ा ले लेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये छोटा मंगाया है। तो मुझे ये कंसीलर के लिए चाहिए था। अब देखो ये है ना, कंसीलर ही काम आ जाए, ये कॉन्टोर के भी काम आ जाएगा। और ये है हमारा लाइनर, देखो छोटा सा लाइनर है ये, LA18 वाटर ब्लॉक आउट लाइनर है, ये ब्लैक आउट लाइनर है। तो देखो इस तरीके से ये आईलाइनर जो मैंने लगाया है, ये मैंने इसका ही लगाया है। तो इस तरीके से देखो एकदम ब्लैक, एकदम इस तरीके से ये हमारा छोटा सा, ये मुझे 85 का मिला है। इसके बाद आती है देखो ये किस यू सोल्ड नॉट मिस 18 ये लिपस्टिक है। देखो इस तरीके से इसकी पैकिंग, देखो
कितनी सुंदर पैकिंग है और छोटी लिपस्टिक है। तो ये छोटी, ये हमारी क्या जो पर्स में हम अगर हम सफर कर रहे हैं या हम कहीं पर जा रहे हैं या कहीं शादी पार्टी में तो अपने पर्स में रख के ले जाओ, तो ये ज्यादा मतलब जगह भी नहीं लेगा और ये हमारी लिपस्टिक भी आ जाएगी। तो इसका कलर देखो कितना प्यारा कलर है इसका। इनकी लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लेना। ये हमारा लूज पाउडर, इस तरीके से देखो इसकी पैकिंग आई है। और ये इसमें इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है, मतलब सारे प्रोडक्ट की जो पैकिंग है ना बहुत अच्छी है। इसके ऊपर वो जो भी वो पॉलिथीन भी लगी ऊपर आई थी इसमें, देखो इस तरीके से। फिनिशिंग पाउडर, लूज पाउडर जो हमारे मेकअप को सेट करने के काम आता है। और ये हमारी पर्पल की मिनी जो लिपस्टिक है, ये लिपस्टिक मैंने लगाई हुई है, ये वाली लिपस्टिक ही ये हुई है, ये लिपस्टिक भी। इसका कलर मैं और बता देती हूँ आपको, देखो कितनी छोटी सी है पैकिंग, वाओ कितनी सुंदर पैकिंग है इसकी। देखो इसका भी कलर कितना अच्छा कलर है। तो इस तरीके से ये लिपस्टिक हमारी। अब ये हमारा फाउंडेशन, फिटमी का फाउंडेशन है ये, और इसका सीड है 330 फाउंडेशन विथ क्लेम। तो इस तरीके से इसकी देखो, इसकी भी पैकिंग कितनी अच्छी आई है। इसका जो कैप है ना, इस तरीके से इसमें टैप लगा हुआ आया है। और पूरा मतलब इसकी जो पैकिंग तो अच्छी आई हुई है, लेकिन इसमें जो भी प्रोडक्ट है ना, फाउंडेशन है ना, इसमें पूरा भरा हुआ है, मतलब निकल रहा है ये, बिना निकाले निकल रहा है। तो ये मेरे जो सेट पे ना पूरा अच्छी तरीके से जाएगा, मतलब जो ज्यादा वाइट नहीं होगा। तो इस तरीके से देखो तो ये हमारा फाउंडेशन हो गया। और देखो ये एनवाईए का प्राइमर है, तो ये प्राइमर मैंने छोटा, मैंने जो भी प्रोडक्ट मंगाई है ना सारे छोटी ही मंगाई है, कि हम कम पैसों में भी हम मेकअप खरीद सकते हैं, वो भी अच्छा वाला मेकअप खरीद सकते हैं। और वैसे ये पर्पल पे तो क्या है ये सेल चलती रहती है, तो आप कभी भी देख सकते हैं उसमें, जब भी सेल चले, जब भी कम ऑफ कम हो जाए या जो भी पैसे कम हो जाए ऑफ हो जाए उसमें, तो आप परचेज कर सकते हो। तो इस तरीके से देखो इसमें प्राइमर है, देखो ये प्राइमर, इसका जो टेक्सचर है ना एकदम सॉफ्ट है, इस ये प्राइमर सबसे बेस्ट है। तो ये हमारा प्राइमर हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा देखो ब्लू हेवन का डायमंड ब्लश ऑन फोर सॉफ्ट एक्सप्रेशन, ये हमारा ब्लू हेवन का, इसकी पैकिंग आई है। इसकी पैक मैंने यहां से पहले ही निकाल ली थी, तो देखो इस तरीके से ये आया है। मतलब जो नेचुरल ब्लश होता है ना ये वो है, मतलब ज्यादा मतलब रेड भी नहीं है, एकदम पिंक, जो नेचुरल पिंक हो जाता है, जैसे हम धूप में जाते हैं कहीं जाते हैं तो हमारा फेस है ना पिंक हो जाता है, ये उस कलर में है। इसका ब्लश बहुत ही अच्छा है। अब देखो ये हमारा लाइनर है, ये व्हाइट लाइनर है जो ये मैंने अपनी आंखों पे लगाया, बहुत ही अच्छा लाइनर है ये। आप इसको है ना शेड में भी काम, आई शेडो में भी काम ले सकते हो, इस तरीके से बहुत ही अच्छा है ये। और दूसरा है हमारा ग्रीन कलर का ये लाइनर, इसको भी हम आई शेडो में काम ले सकते हैं। तो इसका कितना शाइनिंग है, मतलब कितना अच्छा लग रहा है ये। तो इस तरीके से ये मेरा, और इसमें एक और, और देखो ये मैंने दो काजल मंगाई हैं, एक तो व्हाइट है एक ग्रीन है। तो देखो इसकी पैकिंग, देखो ये ग्रीन है, तो
मैं आपको ग्रीन बता देती हूँ, ये ग्रीन। इसको देखो हम काजल के रूप में भी काम कर सकते हैं और इसको हम आई शेडो में भी काम ले सकते इस तरीके से। तो ये हमारा ग्रीन काजल है, अब ये हमारा व्हाइट काजल है, NYV का ही। तो देखो इसको भी हम है ना आई शेडो में काम में ले सकते हैं और काजल में भी काम ले सकते हैं। ये काजल लगाने के बाद है ना आंखें इतनी सुंदर लगती है, एकदम डॉल की आंखें होती है ना, उस तरीके से ये लगते हैं। तो ये मेरा छोटा सा हॉल था और छोटा सा हॉल में सारे प्रोडक्ट भी छोटे छोटे थे, एक भी प्रोडक्ट इसमें बड़ा नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो, थोड़ी सी भी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पर अगर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो ये सारे प्रोडक्ट है ना इनकी जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बाय बाय।